नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। आज बताएंगे आपको पितृपक्ष के महाप्रयोगों के बारे में। पितृपक्ष चल रहा है और पितरों के श्राद्ध और तर्पण करके लोग पूर्वजों से खुशियों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और पितृगण भी पितृपक्ष में अपने लोगों पर कृपा बरसाते हैं। माना जाता है कि इन दिनों किसी ना किसी जीव के रूप में पितृ धरती पर आते हैं और आशीर्वाद देकर जाते हैं, तो इसीलिए पशु पक्षियों की सेवा करना जरूरी है। हम आपको इसी से जुड़ी हुई जानकारी आज देने जा रहे हैं कि कैसे पशु पक्षियों की सेवा करके आप भी पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। कष्टों से मिलेगा छुटकारा। हर समस्या का होगा निपटारा। श्राप कर्म से पितृ होंगे तृप्त। ऐसी ही महिमा होती है पितरों की और उनकी श्रद्धा पूर्वक किए गए श्राद्ध की। लेकिन क्या आपको पता है कि जो श्राद्ध या तर्पण आप कर रहे हैं वो आपके पितर की आत्मा को शांति प्रदान कर भी रहे हैं या नहीं? कई बार ऐसा भी होता है कि आप श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध कर रहे हैं लेकिन उसका फल नहीं मिल रहा। घर में कलह, गरीबी और गृह दोष होना शुरू हो जाता है। पितृ गायत्री का भी जप जब खुद भी व्यक्ति करे तो उससे भी हम पितृदोष से मुक्त हो जाते हैं। और पितृदोष अगर राहु केतु के द्वारा जनित है तो राहु केतु की पूजा या उनकी शांति कराने से लाभ मिलता है। शंकर जी की पूजा जब भी की जाती है, शिवालय में जाकर के जब भी रुद्राभिषेक किया जाता है, पितृदोष बहुत आसानी से शांत होता है। आज हम आपको बताएंगे पितरों से कृपा पाने का महा उपाय। ज्योतिषी कहते हैं कि पितृपक्ष में पशु पक्षियों की सेवा करके आप आसानी से अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। गरुड़ पुराण जो हम सुनते हैं उसमें गरुड़ की भी महत्ता प्रकाश में आती है। हंस के लिए भी कहा गया है कि अगर हम कुछ उस बीच में उनको कुछ चुगाएं खिलाएं तो पितरों के लिए वो महत्वपूर्ण होता है। और ये कुल मिला के इतने पशु पक्षी हैं जो श्राद्ध पक्ष में या श्राद्ध कर्म में हमारे लिए उन पितरों के बीच में एक सेतु बनते हैं। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में हमारे पितर धरती पर आकर हमें आशीर्वाद देते हैं। ये पितर पशु पक्षियों के माध्यम से हमारे निकट आते हैं। जिन जीवों तथा पशु पक्षियों के माध्यम से पितर आहार ग्रहण करते हैं वो है गाय, कुत्ता, कौवा और चीटी। श्राद्ध के समय इनके लिए भी आहार का एक अंश निकाला जाता है, तभी श्राद्ध कर्म पूर्ण होता है। श्राद्ध करते समय पितरों को अर्पित करने वाले भोजन के 5 अंश निकाले जाते हैं, गाय, कुत्ता, चीटी, कौवा और देवताओं के लिए। इन 5 अंशों का अर्पण करने को पंचबलि कहा जाता है। ज्योतिष के जानकारों का ये मानना है कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज किसी न किसी रूप में धरती पर आते हैं और परिवार जनों को खुशियों का वरदान देते हैं। इसीलिए पितृपक्ष में कौवा, गाय, चीटियां आदि जीवों की सेवा करने का विधान है। गाय में सभी देवताओं का वास होता है, इसलिए जो 5 बलि दी जाती है वो प्रथम बलि जो होती है वो गाय के लिए दी जाती है। बलि मीन्स उनके लिए भोजन, एक पत्ते पर निकाल करके गाय को पहले अर्पण किया जाता है, बाकी उसके बाद 4 बलि दी जाती है। दूसरी बलि दी जाती है कौए को। कौए को यमराज का वाहक माना गया है, यानी जो पितर हमारे यमलोक में होते हैं उनके लिए कौए को जो बलि दी जाती है उससे उनको सीधे तृप्ति मिलती है। उसके बाद आती है पिपीलिका। पिपीलिका मतलब चींटी, उसको भी हम जब देते हैं तो पितरों को पास वो चीजें पहुंच जाती हैं। तथा और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा जो कहते हैं स्वान बलि, यानी कुत्तों को जो हम बलि देते हैं तो उससे
हम अपने पितरों को तृप्त करते हैं। जानकारों का कहना है कि पितृपक्ष में पंच बलि का बड़ा महत्व है। पांच अलग अलग रूप में भोजन देने की इस परंपरा को पंच बलि कहते हैं। पंच बलि के साथ ही श्राद्ध कर्म पूर्ण माना जाता है। श्राद्ध में भोजन का अंश ग्रहण करने वाले इन पांच जीवों का विशेष महत्व होता है। वर्ष में 96 अवसर ऐसे आते हैं जब हम अपने पितरों के लिए तर्पण कर सकते हैं। उन तक सीधे पहुंचने के लिए हम अग्नि में आहुतियां दें या ब्राह्मणों को भोजन कराएं, तो ये तो सबसे मुख्य तरीका है उनको तृप्त करने का और पितृदोष से निपटने का। तो किस प्रकार देते हैं पंच बलि, चलिए ये भी बताते हैं। सबसे पहले भोजन की तीन आहुति कंडा जलाकर दी जाती है। श्राद्ध कर्म में भोजन के पूर्व पांच जगह पर अलग अलग भोजन का थोड़ा थोड़ा अंश निकाला जाता है। गाय, कुत्ता, चींटी और देवताओं के लिए पत्ते पर और कौए के लिए भूमि पर अंश रखा जाता है। फिर प्रार्थना की जाती है कि इनके माध्यम से हमारे पितृ प्रसन्न हो। जानकार कहते हैं कि पितृपक्ष में केवल गाय की सेवा मात्र से ही पितरों को प्रसन्न किया जा सकता है। गाय में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। गायों में 33 कोटि देवी देवता यानी 33 प्रकार के देवी देवताओं का एक साथ वास होता है। तो गौ माता की जो हम सेवा करते हैं, उनको जो भी हम खिलाते पिलाते हैं, उसमें पितर रूपी देव भी सम्मिलित होते हैं और उनको तृप्ति मिलती है। पितृपक्ष में गाय की सेवा से पितरों को मुक्ति मोक्ष मिलता है। साथ ही अगर गाय को चारा खिलाया जाए तो वो ब्राह्मण भोज के बराबर होता है। पितृपक्ष में अगर पंच गव्य का प्रयोग किया जाए तो पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है। साथ ही गौदान करने से हर तरह के ऋण और कर्म से मुक्ति मिल सकती है। पितृपक्ष में जो भी व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध कर्म करता है, उनका तर्पण करता है, पितृ उस पर कृपा बरसाते हैं, उसके दुखों को दूर कर देते हैं। विशेषकर दान पुण्य करना, इस दौरान गरीब निर्धन की यथाशक्ति मदद करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और सुखद जीवन का आशीर्वाद देते हैं। तो इस बार पितृपक्ष में कर लीजिए अपने पितरों को प्रसन्न, क्योंकि जब पितृ प्रसन्न होंगे तभी होगा आपका जीवन धन्य। श्राद्ध और तर्पण से पितृ तो प्रसन्न होते ही हैं। इनकी कृपा से जीवन की तमाम परेशानियों का भी अंत हो जाता है। पितृपक्ष में अब कुछ विशेष वस्तुओं का अद्भुत प्रयोग हम आपको बताने जा रहे हैं। तो कौन सी है वो वस्तुएं जिनसे मिल सकता है आपको पितरों का आशीर्वाद, चलिए देखते हैं। जीवन में शांति और समृद्धि के लिए पितरों का तर्पण करना बहुत जरूरी होता है। ज्योतिषी मानते हैं कि पितरों की शांति और उनके आशीर्वाद से ही ईश्वरीय शक्ति आप पर असर दिखाती है। यह कहा गया है कि पिता, पितामह और प्रपितामह में हम तीन देवताओं की एक साथ पूजा करते हैं, रुद्र, आदित्य और वसु। इसीलिए हम पितरों को देव स्वरूप मानते हैं। आज हम आपको ऐसी वस्तुओं के बारे में बताएंगे जिनका अद्भुत प्रयोग पितरों की शांति के लिए चमत्कारी रूप से असर दिखाता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहली वस्तु की, जल। जल में खड़े होकर अंजलि में जल लेकर पितरों को जल देना सर्वोत्तम होता है। पितृपक्ष में सूर्योदय के पूर्व पीपल में जल डालने से पितरों को शांति प्राप्त होती है। पितृपक्ष में अगर जल की बर्बादी की जाए तो पितृ पूजा स्वीकार नहीं करते। जल के प्रयोग को तर्पण और श्राद्ध में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, इसीलिए पूर्वजों को तर्पण में इसका इस्तेमाल जरूरी होता है। जल के बाद दूसरी वस्तु जिसका इस्तेमाल पूर्वजों के तर्पण में किया जाता है वो है अग्नि। ऐसी मान्यता है कि अग्नि में दी हुई आहुति
सीधी देवताओं तक पहुंचती है। श्राद्ध में संपूर्ण भोजन की सबसे पहली आहुति अग्नि में ही दी जाती है। नियमित रूप से अग्नि में सुगंध की 5 आहुति देने से पितरों को और स्वयं को शांति मिलती है। पितरों के तर्पण में जिन वस्तुओं का प्रयोग हम आपको बता रहे हैं, उनके बारे में ज्योतिषी कहते हैं कि इन चीजों का प्रयोग भौतिक जीवन में भी लाभकारी है, इसीलिए इनका प्रयोग तर्पण के लिए भी किया जाता है। तीर्थ शब्द से सीधे सीधे जल का मतलब होता है, और जल वह भी जो ज्यादा चलायमान हो, प्रवाहमान हो। वहां पर जाकर के हम जब तिल से उदक देते हैं, तिलोदक देते हैं, तिल उनको देते हैं, या उस जल से जब हम पितरों का तर्पण करते हैं, तो श्राद्ध परंपरा में इनका बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है। उषा के बिना श्राद्ध कृत्य पूरा नहीं होता, तो ये सब चीजें उसमें बहुत महत्व की रखती हैं। पितरों की शांति के लिए उड़द की दाल और काले तिल का भी खास प्रयोग बताया गया है। चलिए आपको इनके बारे में बताते हैं। उड़द की दाल ज्योतिष में शनि और राहु से संबंध रखती है। पितरों को अर्पित की जाने वाली खाने वाली वस्तुओं में उड़द की वस्तुओं की प्रधानता होती है। काले तिल संपन्नता का प्रतीक भी है और शांति का भी। काले तिल का दान अज्ञात बाधाओं से मुक्ति दिलाता है। काले तिल डालकर सूर्य को जल देने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। अग्नि में काले तिल की आहुति देने से घर की नकारात्मकता दूर होती है। किसी भी परिवार की सुरक्षा की पहली ढाल उसके पितर ही होते हैं। यही वजह है कि पूर्वजों की शांति उनके पारलौकिक जीवन के सुख की चिंता धरती पर मौजूद उनके परिजन करते हैं, और पितृपक्ष में उनकी शांति के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए तर्पण और श्राद्ध कर्म करते हैं। चलिए अब आपको कुश के प्रयोग के बारे में बताते हैं। माना जाता है कि कुश श्रीहरि विष्णु के अंश से बना है। ये भी माना जाता है कि कुश के अंदर अमृत तत्व का वास है। कुश के जल से शिवजी का अभिषेक करने से तमाम तरह की बाधाएं दूर होती हैं और पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है। कुश हाथ में लेकर पितरों को जल अर्पित करने से ही श्राद्ध की प्रक्रिया पूरी होती है। पितृपक्ष में जल में कुश डालकर स्नान करने से मन की पीड़ा दूर होती है। तो पितृपक्ष में अगर आप अपने पितरों की शांति के लिए तर्पण या श्राद्ध कर्म नहीं किया हो तो जरूर करें, और इन 5 वस्तुओं के अद्भुत प्रयोग से पितरों की कृपा प्राप्त करें। आइए अब आपको बताते हैं एक महाप्रयोग जो कि पितृ दोष से जुड़ा हुआ है। अगर आपकी कुंडली नहीं है तो भी कुछ संकेतों से आप समझ सकते हैं पितृ दोष को। क्या है पितृ दोष दूर करने का यह महा उपाय, चलिए देखते हैं। पितरों की कृपा हो, पितरों का आशीर्वाद मिल जाए तो कुंडली के दोषों से छुटकारा पाया जा सकता है। पितृ पक्ष के पावन दिनों में अगर कुछ उपाय किए जाएं, तो ऐसे दोषों का जीवन में असर खत्म हो सकता है। विशेषकर पितृ दोष के लिए कहा जाता है कि पितृ पक्ष ही उत्तम समय होता है इस दोष के निवारण का। लेकिन कैसे जाने कि आपके जीवन पर कहीं पितृ दोष की छाया तो नहीं? बिना कुंडली के किन संकेतों से आप इसके लक्षण पहचाने, पहले ये समझिए। सुबह के समय उठने के बाद परिवार में अचानक कलह होता हो, विवाह की बात अक्सर बनते बनते बिगड़ जाती हो, आपको बार बार यदि चोट लगती हो, दुर्घटनाओं के शिकार होते हो, घर में मांगलिक कार्यों में विघ्न आता हो, परिवार में या घर में मेहमान आना बंद हो जाते हो, दाम्पत्य जीवन के कलेश के कारण जीवन में मुश्किलें आना। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार इन लक्षणों से बिना कुंडली के भी आप पितृ दोष का संकेत समझ सकते हैं। तो कौन से हैं वो महा उपाय जिनमें छिपा है पितृ दोष का निवारण, आइए आपको समझाएं। हर अमावस्या पर अपने पूर्वजों और पितरों के नाम से जितना हो
लोगों को दवा, वस्त्र या भोजन का दान करें। हर बृहस्पतिवार और शनिवार शाम पीपल की जड़ में जल अर्पण करें और उसकी सात परिक्रमा करें। शुक्ल पक्ष के रविवार सुबह के समय भगवान सूर्य को जल में गुड़, लाल फूल, रोली आदि डालकर अर्पण करना शुरू करें। माता पिता और उनके समान बुजुर्ग व्यक्तियों के चरण स्पर्श करें। पितृपक्ष के दौरान शांत चित्त से अपने पितरों का तर्पण करने से, उनका श्राद्ध कर्म करने से पितरों को तो मुक्ति मिलती है, तर्पण करने वालों के लिए भी मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान किए गए छोटे छोटे उपाय बहुत लाभकारी होते हैं, किस्मत के दरवाजे खुलते हैं और पितरों की कृपा भी मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रार्थना स्वीकार में आज का हमारा सफर यहीं पर समाप्त होता है। फिर होगी आपसे मुलाकात। अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।